हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर विलेज स्टडी में। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में क्लास सिक्स की सब्जेक्ट है संस्कृत और उसका पाठ है 11वां एकादश पाठ है। पाठ का नाम है गणतंत्र दिवस समारोह। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद लिखवाऊंगी, उसके बाद इसके अभ्यास का सॉल्यूशन कराऊंगी। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद लिखवा देती हूँ, ठीक है। तो इसका हिंदी अनुवाद है, प्रभाकर, मित्र जैकब, कल गणतंत्र दिवस का समारोह होगा, वह देखने के लिए हम जाएंगे। सलीम, कल मुझसे कह रहा था कि हम भी वहां जाएंगे, क्या तुम भी वहां चलोगे? जैकब, मित्र गणतंत्र दिवस का समारोह किस लिए होता है? उसके बाद प्रभाकर कहता है, अहो क्या तुम नहीं जानते कि प्रथम गणतंत्र दिवस से ही स्वतंत्र भारत का अपना नया संविधान आरंभ हुआ था? जैकब, गणतंत्र दिवस का आरंभ कब हुआ? प्रभाकर कहता है, अभी तो हमारे अध्यापक ने गणतंत्र के विषय में सबको बताया था कि सन 1950 ईस्वी के जनवरी माह की 26 तारीख को प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह हुआ, क्योंकि इससे पहले जनवरी माह की 26 तारीख को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के दल के अधिवेशन में देश की पूर्ण स्वाधीनता का संकल्प स्वीकृत हुआ था, अतः इसी दिन को गणतंत्र में बदला गया, इसलिए इसी दिन स्वाधीनता दिवस समारोह होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे। जैकब कहता है, यह समारोह कहाँ होता है अथवा कल कहाँ होगा? प्रभाकर कहता है, इस समारोह का संपूर्ण देश में लोग उत्साह से आयोजन करते हैं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, मंत्रालयों और बाजारों में ध्वजारोहण होता है। विद्यालयों में बालक खेल के मैदान में उत्साह सहित खेलेंगे, इसके बाद शिक्षक सबको लड्डू देंगे। जैकब कहता है, भारत की राजधानी दिल्ली नगर में कल क्या क्या होगा? प्रभाकर कहता है, वहां इंडिया गेट के एक स्थान पर राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करेंगे, तत्पश्चात भारतीय सैनिक विभिन्न समूहों में उनके सम्मुख आकर उनका अभिनंदन करेंगे। जैकब कहता है, गणतंत्र दिवस समारोह में और क्या क्या होता है? प्रभाकर कहता है, विभिन्न राज्यों से लोग इस समारोह के दर्शन के लिए वहां जाते हैं, अपने अपने राज्य की कलाकृतियां भी प्रदर्शित करने के लिए वहां ले जाते हैं। जैकब कहता है, क्या दिल्ली में रहने वाले ही इंडिया गेट जाते हैं? प्रभाकर कहता है, नहीं नहीं, सारे भारतीय शामिल होकर वहां जाएंगे, यह समारोह सारे देश का है, इसलिए आज सर्वत्र अवकाश होता है। जैकब कहता है, तब तो मैं भी वहां शामिल होऊंगा, अपने मित्र हमीद को भी वहां ले जाऊंगा। शलीम कहता है, सुंदर, अति सुंदर। तो मैंने आपको इसका हिंदी अनुवाद करा दिया है, इसके बाद कराती हूँ मैं अभ्यास। तो अभ्यास में हमारे पास प्रश्न नंबर 1, उच्चारण क्रूत पुस्तिकाया चा लिखित, ठीक है, इन शब्दों का उच्चारण करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो देखो, आरब्ध माशीत अदयैव तस्याभिनंदम कलाकृति रपि, ठीक है, इस तरह से उच्चारण करेंगे और इन्हें कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, एक पदिन उत्तरत, ठीक है। तो देखो, का है गणतंत्र दिवस समारोह कदा भवति? तो इसका उत्तर क्या होगा, 26/1 दिनांक, ठीक। उसके बाद है का, गणतंत्र दिवस का राष्ट्र संबोधयति? उत्तर होगा, राष्ट्रपति। अगला है गा, अस्माक देशस्य राजधानी कुत्र अस्ति? तो इसका उत्तर होगा, दिल्ली नगरी। उसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारे पास, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, ठीक है। तो इनको ये पूर्ण वाक्यन उत्तरत करना है, किस तरह से करेंगे देखो। तो देखो, तीसरा प्रश्न है कैसे, का है तीसरे प्रश्न का, का प्रश्न है गणतंत्र दिवसस्य समारोह किमर्थ भवति? तो उत्तर होगा, गणतंत्र दिवसस्य समारोह स्वाधीन भारतस्य स्वीकृत नवीन संविधानम आरंभ मार्थ भवति, ठीक है। खा है, गणतंत्र दिवस समारोहस्य आरंभ कदा अभवत? उत्तर होगा, गणतंत्र दिवस समारोहस्य आरंभ 26/1 ईस्वी वर्षे अभवत। उसके बाद गा प्रश्न है, गणतंत्र दिवसे किम किम भवति? उत्तर होगा, गणतंत्र दिवसे भारत द्वारम इति स्थाने राष्ट्रपति राष्ट्र संभू दस्यति तद निरंतर भारतीय सैनिका विभिन्नेषु समूहेषु तस्य समुखम आगत्य तस्याभिनंदम करिष्यति, ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, मंजूषात उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यत?
ठीक है, स्वय है अधुना अध्य। तो देखो का है त्वम, त्वम इसमें क्या आएगा, शव है, ठीक है। कुत्र गमिष्यसि, खा है अध, गणतंत्र दिवस से उत्सव अस्ति, गा है अधुना देश स्वतंत्र अस्ति, ठीक। उसके बाद है हमारे पास देखो पांचवा प्रश्न, पांच में क्या है, अधोलिखित क्रियापदानाम धातु लकार पुरुष वचन चा लिखत, ये क्रियापदम है, ये धातु लकार, ये पुरुष, ये वचनम। तो देखो क्रियापद है गमिष्यति, भविष्यति, पठिष्यति, निश्यन्ति, तो इसका धातु क्या होगा, गमिष्यति का गम और भविष्यति का भू, पठिष्यति का पठ और इसका ईश, ठीक है। उसके बाद लकार है, ठीक है, तो भविष्यति का क्या होगा, लट लकार, ठीक है, इसका भी लट लकार है। इसका भी उसके बाद है प्रथम पुरुष है, ये सब भी प्रथम पुरुष हैं। उसके बाद ये एकवचन है, ये भी क्या है, एकवचन, ये भी एक वचन है लेकिन ये बहुवचन है, ठीक है, बहुवचनम, एक वचनम। उसके बाद है छठवां, देखो चित्र निर्माण क्रूत, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्पम, ये आपको चित्र बनाना है खुद ही। उसके बाद सातवां प्रश्न है अधोलिखित पदानी प्रयुज्य वाक्य रचना कुरुत, जैसे यथा का समारोह है, समारोह का क्या है, स्वय गणतंत्र दिवस से समारोह भविष्यति, इसी तरह इनके बनाने हैं, ये देखो। इसी तरह अध्यापक का बनाना है, ध्वजारोहण का और भारतीय का, कैसे बनाएंगे देखो, देखो समारोह को स्वय गणतंत्र दिवस से समारोह भविष्यति, अध्यापक का अध्यापक विद्यालय गच्छति, ध्वजारोहणम का प्राचार्य ध्वजारोहण करिष्यति, भारतीय का भारतीय स्वय दिल्ली नगरम गमिष्यन्ति, ठीक है, इस तरह से बनानी है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोज देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ, धन्यवाद।